देखिए कुछ फॉर्मूला रिकैप करा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये बिंदु ए है, एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक। और इसी के समांतर कोई वेक्टर है, ठीक। ये रेखा के समांतर एक वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर दिया हुआ है तो इसका डीसी पता कर सकते हैं। मान लेते हैं एल एम एन है, ठीक। तो ये समांतर रेखा का समीकरण यदि हमें पूछे, सॉरी, ये समांतर रेखा का समीकरण पूछे, क्या लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स वन बाय एल, y माइनस वाई वन बाय एम, जेड माइनस जेड वन बाय एन। ये स्ट्रेट लाइन का पहला थ्योरम था कि यदि कोई रेखा एक बिंदु से जाए और उसके समांतर एक रेखा का डीसी पता हो, मतलब डायरेक्शन कोसाइन पता हो, तो उस रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है। यदि इस पॉइंट, ये बिंदु है, ओरिजिन से मिला दें तो एक वेक्टर बनेगा ए, तो एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ये ए हो जाएगा। और इस ये जो वेक्टर है इसको बी मान लें, तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, इस रूप के जो समीकरण होता है इसको बोलते हैं एक बिंदु से जाने वाली जिसका डायरेक्शन कोसाइन पता हो, एक बिंदु से जाए उसके समांतर डायरेक्शन कोसाइन पता हो, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? ये होता है वेक्टर फॉर्म में। इस पर आधारित सवाल अब पढ़ेंगे। देखिए कुछ सवाल इस प्रकार से है। फर्स्ट सवाल है इस टाइप पर आधारित, बिंदु 5, -2, 4 से गुजरती हुई टू आई माइनस जे प्लस थ्री के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का भी सवाल आता है, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, पहले तो इसको लिख लें एक बार। क्या बोल रहा है? बिंदु इतना से गुजरती हुई, इतना के समांतर, जिसके समांतर हो वो बी वेक्टर होता है, जिस बिंदु से गुजरे वो ए वेक्टर होता है। तो क्या मानेंगे? क्या दिया हुआ है? पासिंग पॉइंट किस बिंदु से पास कर रहा है उसका नाम हम P रख रहे हैं। P बिंदु से पास कर रहा है 5, -2, 4। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में बदल लेते हैं और इसका नाम A दे दिए। मान लिए कि A बराबर एक वेक्टर है जो कि बिंदु P को ओरिजिन से मिलाने पर प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगा?
फाइव आई माइनस टू जे प्लस फोर के। देखिए कोई बिंदु पता रहता है, मान लीजिए P x कोमा वाई कोमा जेड, ओरिजिन से मिलाने पर एक वेक्टर मिलता है OP, क्या मिलता है x i y j प्लस जेड के मिलता है ना, तो वही किए हैं फाइव आई माइनस टू जे प्लस फोर के। ठीक, और पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, ये क्या है टू आई माइनस जे प्लस थ्री के। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस रेखा का समीकरण पूछा जा रहा है जो इस बिंदु से गुजरे इसके समांतर हो, उस रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक सवाल इसको देख लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद लिखिएगा। जैसे सवाल लिख लिए यहां तक लिखना है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फाइव कोमा माइनस टू कोमा फोर एंड पैरेलल टू क्या है वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3k इज, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन बाय, या इसे लिखा इसका नाम क्या है a वेक्टर। तो r बराबर ए प्लस लेमडा बी लिखते, ऐसा होना है। आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर देखिए यहां पर है फाइव आई माइनस टू जे प्लस फोर के, अब प्लस लेमडा बी वेक्टर यहां देखिए 2i माइनस जे प्लस 3k। ये जो समीकरण आया, ये समीकरण आया वेक्टर फॉर्म में। आप सॉल्यूशन यहां से पहले यहां तक लिखें, उसके बाद यहां से यहां तक लिखें और आगे लिखाते हैं। चलिए लिखिए इसको, ये जो समीकरण आया इसको क्या बोलेंगे कि ये कार्टेशियन सॉरी वेक्टर फॉर्म में समीकरण है, किसका स्ट्रेट लाइन का, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, हमें तो बोला था कि समीकरण निकालिए, हम वेक्टर फॉर्म में निकाले। अब मान लीजिए वो ऐसा बोल देता कि उस बिंदु से गुजरे और इसके समांतर हो, इसका वेक्टर फॉर्म में समीकरण बताइए, तो ऐसे बताना था। कार्टेशियन फॉर्म में बताइए, तो जब अभी बता देते हैं, यदि नहीं बोला है तो दोनों निकालना पड़ेगा। नौ,
वेक्टर आर बराबर देखें, आर बराबर फाइव आई माइनस टू जे प्लस फोर के प्लस लैम्डा टू आई माइनस जे प्लस थ्री के। आर बोलते हैं, देखिएगा थ्योरी में आर को बोले हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हर हमेशा आर वेक्टर को यही लिखेंगे, जब नहीं दिया रहे आर वेक्टर तो यही लिखना है। अच्छा यहां देखिए, फाइव आई माइनस टू जे प्लस फोर के प्लस लैम्डा टू आई माइनस जे प्लस थ्री के। इसके बाद देखिए, जब आप इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस फाइव आई कॉमन ले लिए प्लस y प्लस टू जे प्लस जेड माइनस फोर के। देखिए यहां पर ये माइनस था तो इधर आया तो प्लस हुआ, जे कॉमन ले लिए। यहां बचा है टू लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस थ्री लैम्डा के। आप जब इक्वेट कीजिएगा तो यहां क्या होगा, x माइनस फाइव इज इक्वल टू आई वाले को आई के साथ, यहां हो जाएगा टू लैम्डा, जे वाले को जे के साथ तो आई प्लस टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। उसके बाद जेड माइनस फोर इज इक्वल टू, जेड माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री लैम्डा। यहां से आ गया एक्स माइनस फाइव बटे दो इज इक्वल टू लैम्डा, वाई प्लस टू बटे माइनस एक बराबर लैम्डा, जेड माइनस फोर बाय थ्री इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब एक्स माइनस फाइव बाय टू, वाई प्लस टू बाय माइनस वन, जेड माइनस फोर बाय थ्री इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, लिख दिए तो भी सही है। देखिए अब जो ये समीकरण आया, ये आया कार्टेशियन फॉर्म में, तो लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहां तक लिखना पड़ेगा, ये हुआ सब्जेक्टिव का तरीका। ऐसे यदि आप बनाते हैं तो सब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना नहीं कर पाएंगे, पहले इसको लिख लें उसके बाद बताते हैं ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाना है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए
क्या करना है। देखिए जैसे कि दिया हुआ था, ये लिखिएगा नहीं, देख लेना है सिर्फ, 5 - 2, 4, ये था पास करने वाला बिंदु, और इसके समांतर 2i - j + 3 के समांतर हो। आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में समीकरण लिखना है तो लिखना है 5i - 2j + 4 पास करने वाला बिंदु प्लस लैम्डा इंटू पैरेलल वेक्टर 2i - j + 3 वेक्टर फॉर्म में हो गया ये समीकरण। ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट लिख देना है। मान लीजिए ये कार्टेशियन फॉर्म में देने के लिए बोल दे ऑब्जेक्टिव में, तो क्या करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म के लिए हुआ, कार्टेशियन फॉर्म के लिए x - x1 / l। हम बता चुके हैं l क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, यहां जो एल एम एन आएगा, यहां जो एल एम एन आएगा। अच्छा x - x1 की जगह है 5, y - -2 है तो -2 हो जाएगा, y - 1, z - 4/3। देखिए आपका जो आंसर आया होगा यही आया होगा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे तो मेरा सही होगा। इस पर आधारित एक सवाल और बना लीजिए। बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। जो सदिश थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के समांतर हैं। देखिए जो प्रोसेस लगाए हैं हू बहू वही लिखना है, सेम है, ए का जगह ये लिया है, बी का जगह ये लिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, गिवन ए बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, लेकिन हमारे विचार से जैसे बताए हैं वैसे लिखिए एकदम प्रोसेस से। हम शॉर्ट में बना देते हैं, आपको क्या करना है जैसे बताए हैं वैसे लिखना है। ए के जगह ये वेक्टर आया है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, बी के जगह आया है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। हमसे क्या बोला जा रहा है, इस बिंदु से गुजरे और इसके समांतर रेखा का समीकरण बताना है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी इज आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ऐसे भी बनाइएगा तो आपका गलत कोई नहीं कर सकता है।
आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा बी, बी का जगह है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। यहाँ लिखना है विच इज द रिक्वायर्ड, चलिए ये लिख लेना है विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। मैं तो लिख देते हैं, यहां लिखना है विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आर बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा थ्री आई प्लस टू जे प्लस माइनस टू के। यहाँ से डायरेक्ट लिख दें एक्स माइनस यहाँ का गुणांक एक तो एक बटे तीन, सीखिए लिखने के लिए। यदि मान लिया जाए वेक्टरे फॉर्म में दे दे आपसे कार्टेशियन पूछे तो आप क्या करते हैं x माइनस एक्स वन यहां रहता है बार l, y माइनस वाई वन बार m, z माइनस जेड वन बार n, यहां माइनस टू है तो माइनस टू। ये जो समीकरण आया ये आया कार्टेशियन फॉर्म में, लिख देना है विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये तो हुआ एक बिंदु से जाए किसी वेक्टर के समांतर लाइन का समीकरण। अब देखिए सवाल इस प्रकार से भी आता है, एक रेखा का कार्तीय मतलब कार्टेशियन समीकरण x माइनस फाइव बाय थ्री y प्लस फोर बाय सेवन z माइनस सिक्स बाय टू है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक। गिवन, पहले ये सवाल लिख लीजिए उसके बाद बताते हैं।
देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस फाइव बाई थ्री। देखिएगा इसको हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, y माइनस माइनस फोर बाय सेवन, जेड माइनस सिक्स बाय टू, ये दिया हुआ है। ये कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। वेक्टर इक्वेशन इज क्या होता है, आर बराबर यहां देखिए एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स आई मतलब फाइव आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के प्लस लैम्डा बी वेक्टर थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस टू के। देखिए इस बात को समझिए, एक्स माइनस एक्स वन बाय एल, वाई माइनस वाई वन बाय एम, जेड माइनस जेड वन बाय एन, इस रूप का यदि कोई समीकरण है तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर बराबर एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी वेक्टर बोलते हैं इसको, एल आई एम जे एन के। तो पहले तो इस फॉर्म में समीकरण को लिखना है। यहां देखिए प्लस हमें डिस्टर्ब कर रहा था तो पहले माइनस में इसको ब्रेक किए, ठीक, उसके बाद हम इस रूप में लिखे। चलिए ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, ये था कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। और समझे इसको पहले लिखना, देखिए ये तो हुआ एक बिंदु से जाए और उसके समांतर किसी वेक्टर, कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका समीकरण बताना था। अब है कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू। ए बी का हमें समीकरण चाहिए वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। वेक्टर फॉर्म में होता है एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाय जेड टू माइनस जेड वन। ये कार्टेशियन फॉर्म में हुआ। कार्टेशियन फॉर्म में ये हुआ, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में जो समीकरण होता है ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, इस फॉर्म में वेक्टर का समीकरण लिखते हैं। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में ये हुआ और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण वेक्टर रूप में ये हुआ। अब इस पर आधारित सवाल देखेंगे, ये जिनको जरूरी है लिखने का तो लिख लें, ऐसे हम लिखा चुके हैं। बिंदुओं माइनस एक कोमा जीरो कोमा टू तथा थ्री कोमा फोर कोमा सिक्स से जाती हुई
रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें, या हम लिखते हैं रेखा का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें, यहां बोल रहा है सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ज्ञात करें। हम दोनों निकालने के लिए सीख लेते हैं, जो पूछेगा वो बता देंगे। वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर, कार्टेशियन पूछेगा तो कार्टेशियन बताएंगे। सॉल्यूशन, ये गिवन पॉइंट्स आर, क्या क्या दिया हुआ है, -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6, ये दो बिंदु दिया हुआ है। कहने का मतलब हम इसको ए मान लेते हैं, -1, 0, 2 बी 3, 4, 6। इस रेखा AB का समीकरण हमें चाहिए।